नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मारुति संजीवनी में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जब भी बालों के झड़ने या फिर गंजापन की बात आती है तो प्याज के रस के इस्तेमाल के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें ये बताया जाता है कि प्याज का रस लगाने से बालों का झड़ना या फिर गंजेपन को खत्म किया जा सकता है। मैंने भी इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मैंने देखा है कि लगभग हर वीडियो में प्याज के रस को इस्तेमाल करने की आधी और अधूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने भी आज से पहले ऐसे वीडियोस देखे हैं तो मैं गारंटी करता हूं दोस्तों कि आप में से 99% लोगों को पता नहीं होगा कि बालों के लिए प्याज के रस को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्याज के रस का इस्तेमाल कर चुके हो या इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंजेपन को दूर करने के लिए प्याज के रस को इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है और इसका इस्तेमाल आपको कब करना है और कितनी देर तक करना है। और जिन लोगों को प्याज के रस का इस्तेमाल करने से फायदा हुआ है उन लोगों ने इसका इस्तेमाल कितनी देर तक किया है। और दोस्तों, तो प्याज के रस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इस आयुर्वेदिक तेल के बारे में। इस तेल के इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हैं दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जिनको गंजापन की प्रॉब्लम है या फिर जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही या फिर जिनके बाल रूखे सूखे और बेजान दिखते हैं, तो ऐसे लोग प्याज के रस के साथ साथ इस तेल का भी जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपके गंजापन या फिर बालों से जुड़ी सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको प्याज के रस का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बताया जाता है कि आप लाल रंग के प्याज का इस्तेमाल करो जो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, या बोला जाता है कि आप इस तरह से दिखने वाले सफेद रंग के प्याज का इस्तेमाल करो। लेकिन दोस्तों, आपको इन दोनों तरह के कलर्स वाले यानी कि लाल रंग और सफेद रंग के कलर वाले प्याज के रस का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें क्या गलत है और आपको इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, हमारे बालों से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं या फिर गंजापन को दूर करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्याज के रस में पाया जाने वाला सल्फर। और दोस्तों, लाल रंग के प्याज में और सफेद रंग के प्याज में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है इस तरह से दिखने वाले येलो कलर के प्याज का। दोस्तों, येलो कलर के प्याज के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से ये प्याज दूसरे किसी भी तरह के प्याज से ज्यादा कड़वा होता है। और दोस्तों, अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप इंटरनेट पर खुद भी सर्च कर सकते हो कि कौन से कलर के प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, फिर सच्चाई खुद आपके सामने आ जाएगी। तो आप येलो कलर के इस प्याज के रस को निकाल लें और फिर इसका इस्तेमाल आप अपने गंजेपन वाली जगह या अपने बालों पर करें और एक बार में निकाले गए प्याज के रस को 4 या फिर 5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको तेजी से इसके रिजल्ट्स चाहिए तो आप हमेशा बिना स्टोर किए हुए ताजे निकाले हुए रस का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, प्याज के रस के साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है इस आयुर्वेदिक तेल का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तेल आपके गंजापन और बालों से जुड़ी सभी तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा और नए बाल उगाने में मदद करेगा। इसका इस्तेमाल आपको कब और कैसे करना है और इस तेल का नाम क्या है और ये तेल आपको कहाँ से मिलेगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, वैसे तो ये तेल आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, पर हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है और इस तेल का नाम है नेचर श्योर थुम्बा ऑयल। दोस्तों, ये तेल पूरी तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक तेल है और इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। और दोस्तों, इस तेल को तैयार किया है हमारे इंडिया की जानी मानी कंपनी वेट एंड ड्राई ने, जो कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के 150 से भी ज्यादा देशों में अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स बेच रही है। दोस्तों, जैसा कि आप इस बॉक्स के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हो, बूस्ट हेयर ग्रोथ, यानी कि ये तेल आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। प्रिवेंट ग्रेइंग एंड हेयर फॉल, यानी कि ये तेल आपके बालों को सफेद होने से रोकता है और बालों को झड़ने से बचाता है। इंक्रीज हेयर काउंट एंड लेंथ, ये आपके बालों की संख्या को बढ़ाता है यानी कि नए बाल उगाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप इस ऑयल को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है ओनियन जूस यानी कि प्याज के रस का। प्याज के रस को आप अपने बालों या फिर गंजापन वाली जगह पर लगाएं और फिर 30 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें।
30 मिनट बाद आप अपने सिर को नॉर्मल वाटर से धो लें। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है नेचर श्योर कंपनी के इस थुम्बा ऑयल का। इस ऑयल की 15 से 20 बूंदे लेकर आपने अपने बालों की जड़ों में लगाकर या फिर अपने गंजापन वाली जगह पर लगाकर 25 से 30 मिनट तक रोजाना इसकी मालिश करनी है और फिर इसे पूरी रात ऐसे ही लगा रहने दें। दोस्तों, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप 15 या फिर 20 दिन में ही किसी भी तरह के चमत्कार की उम्मीद ना करें। आपको इसका इस्तेमाल 3 या 4 महीने तक लगातार करना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।